चलिए डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम ले चलते हैं। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लखपति दीदी के तहत लाभार्थी महिलाओं को ऋण और राशि का वितरण किया जा रहा है और इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तस्वीरों में ये लाभार्थी महिलाएं हैं जिन्हें प्रशस्ति पत्र और राशि वितरित कर रहे हैं। डीईएस सोनम मीना उदयपुर, कृषि सखी नंदा कंवर डूंगरपुर, उद्यम सखी गायत्री देवी डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम से सीधी तस्वीरें हैं। डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा संभाग आसपास से चयनित महिलाएं पहुंची हैं, क्योंकि अब लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाना है। 1 करोड़ का आंकड़ा पहले ही अर्जित किया जा चुका है, लेकिन अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा था, हालांकि पूर्ण बजट नहीं था क्योंकि परंपराओं के लिहाज से था, तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा था कि अब 3 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य है। महिलाओं को सशक्त करना, एक मंशा, समृद्ध बनाना, आर्थिक तौर पर मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति पहुंचा है बेणेश्वर धाम, और जब खुद आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऐसे में और भी ज्यादा खास ये कार्यक्रम हो जाता है। महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा जाता है। अपने संबोधन और वाक्यों के दौरान भी महिलाओं में जोश और हुकार बनने का कार्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करती आई है। अब कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब इसके अलावा अन्य नेता भी इसका हिस्सा बने हैं। कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी है, किरलाल मीणा है, बाबूलाल खराड़ी है, हेमंत मीणा है। बहुत बहुत बधाई आपकी कर्मठता को नमन। आज के इस सुअवसर पर राजीविका बहनों को बैंकों द्वारा ऋण राशि के 250 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए राशि के महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन चेक वितरित किए जाएंगे। इस गरिमामयी समारोह में अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनय पूर्वक अनुनय करते हैं, कृपया अपने कर कमलों से ये चेक प्रदान करने की कृपा करें। मंच पर है श्री हर्षद कुमार टी सोलंकी जीएम एंड कन्वीनर एसएलबीसी, श्री आलोक सिंघल एजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा, और चेक प्राप्त कर रही है राजीविका स्वयं सहायता समूह की बहनें खुशनूर खान उदयपुर और अनामिका पारगी बांसवाड़ा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस सुखद अवसर पर समस्त राजीविका सखियों को। वित्तीय समावेशन के तहत 250 करोड़ की राशि का चेक वितरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये योजना राज्य में राजीविका के नाम से जानी जाती है, और अब 50 करोड़ रुपए की राशि का ये चेक चंदा देवी अध्यक्ष राजस्थान महिला निधि, लीला यादव गढ़ी बांसवाड़ा लाभार्थी महिला निधि प्राप्त कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 100 दिन की जो नई सरकार की कार्य योजना है उसके तहत रोजाना 1 करोड़ रुपए की राशि का ऋण वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 50 करोड़ की राशि का चेक प्रतीकात्मक ऋण वितरण राष्ट्रपति महोदया माननीय के कर कमलों से प्रदत्त किया जा रहा है। पुनः बहुत बहुत आभार मंचस्थ महानुभावों का। और समारोह की अगली कड़ी में विनय पूर्वक आग्रह माननीय जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी से, कृपया समारोह को संबोधित करें माननीय। आज लखपति दीदी सम्मेलन में हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं
इस वागड़ क्षेत्र की जनता की तरफ से, इस मेवाड़ की तरफ से, यहाँ के जनजाति समाज के रहने वाले सभी भाइयों बहनों की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के हमारे सबसे वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक असम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के मंत्री आदरणीय किरोड़ी जी, आदरणीय हेमंत जी, लोकसभा सदस्य आदरणीय कनक जी, दूर दराज से आए माताओं बहनों पत्रकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आदरणीय महामहिम महोदय जी यहाँ पधारे हैं, हम बड़े गौरवान्वित भी हैं कि आप हमारे समाज से आते हैं और आप हमारे समाज के बीच से निकले हैं, समाज की सेवा करके निकले हैं और आपका बहुत बड़ा अनुभव है ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मान्यवर। यहाँ पर हमारी एक समस्या कई बार आती है, हमारे गांव जंगलों में बचे हुए हैं और वहाँ पर वन विभाग के कानून के कारण आज हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 साल बाद में भी वहाँ पर डामर की सड़क नहीं गई है, वहाँ पर बिजली नहीं गई है, ऐसे कई गांव जो है वंचित हैं। मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ आपके चरणों में कि आप हमारी महामहिम हैं, कोई रास्ता निकल करके उन सड़कों को भी जो गांव हैं बचे हुए उनको जोड़ने का आप हमें कहीं रास्ता निकल कर ये कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र को लाभ मिलेगा। आपका